सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 29 दिसंबर। अहम भाव का विसर्जन करके हम सुख दुखातीत रहें। भक्ति का मतलब है संलग्न होना। विषय के लिए हमने परमेश्वर की प्रार्थना आदि की तो वो विषय की भक्ति हुई, परमेश्वर के कैसे होगी? अहम भाव आने पर संकल्प उठते हैं और संकल्पात्मक विषय ही मन में आते हैं। मैं का भाव रखकर परमेश्वर की चाहे जितनी सेवा करें उसमें कमी ही होगी। गृहस्थी का त्याग करके बैरागी बनकर मठ स्थापित किया, लेकिन फिर मठ के बंधन में पड़ गए। भगवान को जेवर अलंकार पहनाए तो क्यों? इसलिए कि हमें उसका रूप अच्छा लगे। उत्तम कृत्य में भी अहम भाव कैसा छिपा बैठा रहता है देखो। सारांश, हमें अपने मैं का विसर्जन करना चाहिए। साधु कर्तृत्व परमेश्वर को सौंप देते हैं, वास्तव में हम कर्ता है ही कहां। अपने को कर्ता माने तो हमारी इच्छा के अनुसार बातें कहां होती है। लेकिन आदमी झूठ मूठ का कर्तापन अपनी ओर लेकर सुखी या दुखी होता है। अतः जिसका कर्तापन है वो उसे देकर हम सुख दुखातीत रहें। ये सब ईश्वर का है, यही सार वेद श्रुति कहते हैं। संत भी यही कहते हैं कि ये सब राम का है, वही सबका कर्ता है। दोनों का कहना समान ही है। इस प्रकार की भावना दृढ़ करने पर सुख दुख भुगतने नहीं पड़ेंगे। मैं कर्ता नहीं हूँ, राम कर्ता है, ये भावना बढ़ाना ही उपासना है। मैं कुछ नहीं हूँ, कोई मामूली गुड़िया हूँ ऐसा माने, ऐसा कहें कि भगवान ही केवल मेरा है। संत के पास रहने से आसक्ति चाहे पूरी ना छूटे, फिर भी अनजाने कम होती जाती है। अतः हम सदा सत्समागम में रहें। सहवास और संगति का हमारे मन पर बहुत असर होता है। हम हाथ में छड़ी लें तो यों ही किसी को मारने की इच्छा होगी, ये हुई छड़ी की संगति। लेकिन हम हाथ में माला लें तो उससे जप ही करेंगे, माला से हम किसी को मारेंगे नहीं। हमारी पोशाक, व्यवहार, बोलने में सभी जगह संगति हम पर असर करती है। अतः हम सदा संतों का सहवास बनाए रखें। गाय जैसे बछड़े के पीछे आती है, वैसे संत नाम के पीछे आते ही हैं। वे नाम लेने वाले को खोजते आते हैं और उनके पीछे पीछे भगवान तो आएंगे ही, ये बात पक्की है। अस्पताल में गया रोगी जैसे डॉक्टर के अधीन हो जाता है, वैसे ही संत के घर में पहुंचने पर हम उनके अधीन हो जाते हैं। अतः हम संत संगति में गए कि हमारा कर्तृत्व समाप्त हो जाता है ऐसा मानना चाहिए। सत्संगति से साधक का विकास होता है। संतों की पहचान के लिए अनुसंधान के सिवाय और कोई साधन नहीं है। संतों को भक्ति का नशा होता है, वे हमेशा नाम में ही रहते हैं। संत भगवान के सिवाय अन्यत्र कहीं रहते ही नहीं हैं, इसलिए वे संत बने हैं, अर्थात देवता स्वरूप बन गए हैं। भगवान का नाम सिद्ध कर देना ही संतों का संसार पर बड़ा उपकार है। सब कुछ राम का है ऐसा मानने का मतलब है राम को सर्वस्व अर्पण करना। जानकी जीवन स्मरण, जय जय राम।